जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। पता नहीं कहाँ चले गए, दोनों का कोनो खबर नहीं। मनीषा, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। दोनों अपशकुन, हे भगवान, दोनों पर अपना कृपा बनाए रखिएगा। कहाँ चले गए थे जी? हमको कितना चिंता हो रहा था। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ बताते काहे नहीं? माँ शांत हो जाओ, हम बताते हैं तुमको सब कुछ। अगर आप ही ऐसा हिम्मत हार के बैठ जाएंगे तो हमारा क्या होगा सर? हमको तो जिंदगी का कठिनाई सबका सामना करना आप ही सिखाए। हम आपको ऐसा हिम्मत हारते हुए नहीं देख सकते। और आप किसी का गलती को पकड़ के बैठना ठीक नहीं है। जरा सोच के देखिए, बाबूजी आपको कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो क्या आप उनका एक गलती को माफ नहीं कर सकते? हम लोग को उनको उनका गलती सुधारने का एक मौका तो देना चाहिए ना। कृष्णा, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है इसलिए तुम ये सब कुछ बोल रही हो। वो हमारे बाबू जी, हम उनको अच्छे से जानते हैं। भैया जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हम इस घर में नहीं रुकेंगे, हम अभी जाकर कहीं रहने का इंतजाम करते हैं। आज शाम को ही हम लोग यहां से चले जाएंगे। क्या बोले तुम? घर छोड़कर जाओगे? होश में हो आप लोग? होश में तो हम आ जाए हैं मां, बहुत हो गया। ये घर बाबूजी का है, इस घर के मुखिया वो हैं। यहाँ वो जैसे चाहे रह सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, पर अब हम इस घर में नहीं रह सकते, इसीलिए घर छोड़कर जा रहे हैं। कौन घर छोड़कर जा रहा है भाई? ये तुम क्या कह रहे हो बटो सिंह? कोई घर छोड़कर नहीं जाएगा। बाबूजी, हुक्म देने का हक आप खो चुके हैं। बबलू भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब हम दोनों इस घर में नहीं रुक सकते। जो आप ही उल्टा सीधा चीज करते हैं उसका नतीजा देख लिए ना। पिट्टू सिंह, गलती हो गया ना हमसे भाई, हम आप सबसे माफी मांगते हैं, आप अपना पूरा परिवार से माफी मांगते हैं और खास करके कृष्णा से माफी मांगते हैं। बेटे कृष्णा, हमको माफ कर दो ना। हम मानते हैं कि हम तुम सबके साथ धोखा किए, भरोसा तोड़े, पर हम ये भी जानते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत है बड़ा है। हाँ, हमको माफ कर दो ना बेटी, एक बार हमको माफ कर दो। हम तुम्हारे हमारे पिता समान है, ये सब करके हमको शर्मिंदा मत कीजिए। हमको आपसे कोई शिकायत नहीं है बाबूजी।
आपको जो ठीक लगा आप वो की, हमको जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। लेकिन हम आपको एक बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं बाबूजी, कि हम अपना फर्ज से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो हमारे घर के प्रति हो या हमारे काम के प्रति। देखो, हम जानबूझकर कुछ नहीं किए हैं बेटा, हमारा गलती बस यूं हुआ कि हम उस सिक्का भैंसिया के बहकावे में आ गए और उसका उसका बनाया हुआ जाल में फंस गए। अरे मती मारा गया था, हमारा अकल पे पर्दा पड़ गया था कि हम सही गलत का अंदाजा ही नहीं रहा बेटा। देवी, हम समझते हैं आपका नाराजगी भी, पर सच मानिए हम जो कुछ भी किए अपना परिवार को सुख पहुंचाने के लिए किए। देखिए, हमारा तो सिर्फ यही है कि हम आप सबको खुश देखना चाहते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अब कृष्णा को वहां छोड़कर आ गए? अपने बच्चा को कोई मौत के मुंह में छोड़कर आता है का? अब हम कृष्णा को वहां एक घड़ी भी नहीं रहने दे सकते। आप अभी जाइए और उसको लेकर आइए। अरे जाते काहे नहीं है? अमू को बोले थे वैसे सरस्वती राज, पर उन्हें आने से मना कर दिया। ऐसे कैसे आने से इनकार कर दी? आपकी बेटी बहुत समझदार, बहुत सोच समझ के फैसला लिए, पर हमको तो उसके इस फैसले पर गर्व है। हमको तो उसका बहुत फिक्र हो रहा है। एक काम करते हैं जी, उसका रक्षा के लिए रुद्राभिषेक करवा लेते हैं, और सावन का महीना में रुद्राभिषेक का बहुत महत्व होता है। अपना गलती पर जबरदस्ती पर्दा डाल दे आप, काहे आपकी तरफ आप देख भी नहीं सकते। हमारा मन दुखी कर दिया, अच्छा नहीं किया आपने। गंगा देवी, आप हमारा भावना को समझने का कोशिश कीजिए। हम तो चाहते थे कि पिंटू सिंह का फैक्ट्री लग जाए, इसीलिए वो उस सिक्का का मदद लेने चले गए। अब हमको क्या मालूम था वो हमको इस सब में अपना पाप का भागीदारी बना लेगी, और ऐसा बना लेगी कि हम अपना ही परिवार के अपराधी हो जाएंगे। हमको क्या मालूम था भाई? हम कैसे मान लें कि आप जो कह रहे हैं वो सच है? बबलू सिंह, हम कोई हनुमान जी नहीं है जो अपना सीना चीर कर तुम लोग को बता दें। अब तुम ही लोग बताओ कि हम क्या करें कि तुम लोग को विश्वास आ जाए। एक तरीका है, आप कृष्णा के साथ डीसी साहब के यहां जाकर सिक्का के खिलाफ गवाही दीजिए। उनको सारा बात बताइए कि कैसे सिक्का कृष्णा को फंसाई। वहां जाकर कृष्णा का बेगुनाही साबित कीजिए। बोलिए, कर पाएंगे आप ऐसा? काहे सोच में पड़ गए आप? बबलू कह रहा है ना, आप लोग बोल रहे हैं तो
चलिए चलिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।